यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिंबायत और चौयर्षी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि युवराज राहुल गांधी को आज मंदिर याद आने लगा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मंदिरों में घूम घूम कर दर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार आज गुजरात के मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है और भाजपा विकास की राजनीति करती है। विश्व में जब विकास की बात होती है तो भारत में किस प्रकार विकास हुआ है इसकी चर्चा चारों ओर है। देश के विकास की बात पर गुजरात मॉडल को आंखें रखा जाता है। सूरत से ललन बिन की रिपोर्ट, समय नेस्टर। सपूत और भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण के माध्यम से किया और आज पूरे देश को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले, पूरी दुनिया के अंदर भारत के 125 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है बनी है और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में भी गुजरात के ही सपूत से अमित भाई शाह का योगदान है। जिस परिश्रम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है आज उसका परिणाम दिख रहा है। देश के 80% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है बनी है और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में भी गुजरात के ही सपूत से अमित भाई शाह का योगदान है। जिस परिश्रम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है आज उसका परिणाम दिख रहा है। देश के 80% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो जोड़ने के लिए मात्र 6 ट्रेन दी थी और अकेले नरेंद्र भाई ने 3 वर्ष के अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए 26 ट्रेनें दी हैं। एक साथ जोड़ने का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में आज अगर गुजरात के विकास के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अगर ये सभी लोग मिलकर के विकास के अभियान के साथ जुड़ करके न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सचमुच ये विकास का गौरव गाथा जो विकास के अंदर आदरणीय अमित भाई ने मुख्यमंत्री के रूप में लिखी थी वह सचमुच आज इसीलिए पूरे देश के लिए अनुकरणीय और अभिनंदनीय बनी है। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, जो लोग देश को बांट रहे हैं, जिन्होंने आजादी के बाद से ही जातिवाद के आधार हर व्यक्ति आज सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में अमित भाई हैं, लगातार कैसे विकास किया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश का। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना जो कांग्रेस ने 1990 में बंद कर दिया था उसको चालू करवाने के लिए स्वयं नरेंद्र भाई गोरखपुर में जाकर के उसका शिलान्यास करते हैं। बिहार के बरौनी में नया कारखाना लगाने की बात करते हैं, गोरखपुर में एक नया एम्स देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के लिए जितनी योजनाओं को लेकर के उत्तर भारत का विकास भी गुजरात की तर्ज पर होना चाहिए, पूर्वी भारत का विकास भी इसी तर्ज पर होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हुए पंच तीर्थों का विकास का मामला हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के बनाने का मामला हो,
इन सब कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस के लोग अयोध्या जाने में परहेज करते थे, अयोध्या से इनको परहेज था, लेकिन इस बार जब भाजपा की सरकार आई आपने देखा होगा हम लोगों ने अयोध्या में दीप